हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति जानी। दोस्तों, अब सर्दियां शुरू हो गई है, तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती है हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम खाएं बनाएं, तो आज उनमें से ही मैंने एक रेसिपी सिलेक्ट की है जो है बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी, जो हमेशा सर्दियों में खाते हैं। यहाँ पर मैं बैंगन का भरता की रेसिपी आपको कुछ डिफरेंटली बताने वाली हूँ, जिसमें हमको बैंगन को गैस पे भूनना भी नहीं है, रोस्ट भी नहीं करना है, पर बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना पाएंगे। चलिए तो फटाफट से रेसिपी देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ये तीन भुट्टे लिए हैं। मैंने यहाँ पर वो काला वाला जो बड़ा बैंगन लिया है वो यूज नहीं किया है, मैं यहाँ पर भुट्टा ले रही हूँ, क्योंकि इसको भूनना गैस पे जरूरी नहीं है। इसको हम छिलका निकाल के सीधा ही बॉईल करने रख देंगे और उसके बाद हम उसका जो प्रोसेस हम जो गैस पे करने वाले हैं वो बाद में करेंगे। इसीलिए हमको कोई हसल वगैरह हसल नहीं है यहाँ पर कि हमको गैस में करना है, या वो कोई झंझट नहीं है। इसका सीधे इस तरह से हम छिलके निकाल के इसको हम बॉईल करने कुकर में रखेंगे। मैं मेरे घर में हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और गेस्ट आते हैं तो भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ और गेस्ट को भी बहुत ही पसंद आता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि हमने कैसे बनाया है। इसीलिए आपको गैस पे भूनना या माइक्रोवेव में उसे रखने की कोई झंझट यहाँ पर नहीं है, सीधा आप अच्छे से इजीली बना सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है बैंगन का भरता बनाना है, कितनी झंझट है, गैस खराब होगा, पर ये इसमें कुछ नहीं है। देखिए, ये पूरा मैंने इसको इस तरह से छिलका निकाल दिया। देखो, मैं आपको एक ये काट के बताऊंगी। देखो, कोई सीड्स वगैरह नहीं है। बड़ा जो काला बैंगन आता है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं जिसको हमें निकालना होता है। ये देखिए, इसमें हमको बहुत अच्छा से मावा मिल जाता है। इसी तरह से मैं सारे ये बैंगन को कर लूंगी, काट लूंगी और कुकर में उसको बॉईल करने रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने काट के इसको छील के रेडी कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से कुकर में पानी रख दिया है मैंने, और स्टैंड पे इसको रख के इस तरह से हम इसको ढक देंगे, इस तरह से इसको फिट ढक देंगे ताकि ये पानी जो है इसके अंदर नहीं जाए, और उसको हम चार विसल में इसको हम रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने ये चार विसल करके ये कुकर जो है मैंने उसको निकाल दिया। ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और अपने आप ही ये स्टीम से हो गया है। अब इसको हम इस तरह से मैशर से इसको मैश कर देंगे सारे। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश भी हो रहा है, मतलब हमारा बैंगन जो है, हमारे भुट्टा जो है, बहुत ही अच्छी तरह से बॉइल हो चुके हैं। अब हम फ्रेंड ये सारे मसाले जो मैंने प्रिपरेशन किए हैं, तो अब इसको हम यहाँ पर कढ़ाई में प्रिपेयर करेंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, आप जो भी ऑयल यूज करते हो डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको थोड़ा ज्यादा ही ऑयल चाहिए। आप देख सकते हैं, मैंने 6 से 7 टेबलस्पून तेल लिया है, क्योंकि हमको ये सारा मसाला है, जैसे टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, सब भूनना है, और हमारा ये जो बैंगन है हमने ये रेडी किया है उसको भी हमको भूनना है, इसीलिए हम इतना ऑयल रखेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैंने इसमें राई, जीरा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें ये बैंगन का भरता है उसमें ये सब नहीं पड़ता है। ये देखिए, मैं यहाँ पर 1/4 स्पून हींग डाली है, एसेटोफोडिया। अब मैं यहाँ पर ये जो हरा लहसुन है मैंने लिया है, अभी सर्दियों का सीजन है और ये हरा लहसुन है, बहुत ही अच्छा मिलता है। ये देखिए, मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें हरी मिर्ची भी डालूंगी। हरी मिर्ची मैंने 3 से 4 ली थी छोटी कट करके। अब ये 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको मैं डाल रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से तेल में, गैस की आंच एकदम से स्लो रखी है ताकि हमारा लहसुन जो है वो जल ना जाए। अब यहाँ पर मैं तुरंत ही प्याज डालूंगी। 1 प्याज मैंने लिया है जिसको बारीक काट दिया है। गैस की आंच मैंने मीडियम रखी है ताकि इसको अच्छे से हम सौते करें। लहसुन की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है जैसे ये सौते हो रहा है। अब यहाँ पर मैं ये जो मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं, ये भी 1 बाउल लिया है, वो मैं डाल रही हूँ। इससे टेस्ट और कलर बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, कोई खाता है, तो आपको मिर्ची और अदरक के बाद सीधा टमाटर ही इसको ऐड कर देना है। ये देखिए, अब इसको 1 मिनट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं टमाटर जो मैंने काटे हुए वो मैं डाल रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर लग रहा है, ग्रीन, व्हाइट, रेड। इस समय मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ,
ताकि हमारे ये जो टमाटर है अच्छे से गल जाए और एक ग्रेवी जैसा बन जाए। दो मिनट यहाँ पर गैस की आंच को स्लो करके ढक दूंगी। अब ये आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो है गल चुके हैं। इस तरह से करते हैं तो एकदम से मैशी हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इसी वक्त थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए हम डालेंगे अभी। अब यहाँ पर मैं ये अपना ये जो मैंने बैंगन ये लिया था इसको हम यहाँ पर डालेंगे। अब इसको मैं अच्छे से इस तरह से मिलाते जाऊंगी। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ऑयल है, पर जैसे ही ये हमारा बैंगन भूनना शुरू हो जाएगा पूरा ऑयल एकदम से कम हो जाएगा और इसमें बराबर से मिक्स हो जाएगा। अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो आप ऑयल कम डाल सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। नॉनस्टिक में बना लीजिए तो कम हो जाएगा। मीडियम गैस पे हम इसको इसी तरह से 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। ये इसको 5 से 7 मिनट हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया, देखो आप देख सकते हैं पहले से उसका टेक्सचर बदल गया। अभी मैं इसको ये मैशर से वापस इस तरह से इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे, प्रेस करके इस तरह से मिलाते जाएंगे ताकि ये एकदम से अच्छे से मिल जाए। देखिए ये हमारा, आपको कलर चेंज लग रहा होगा जो हमने पहले इसमें मिलाया था उसके बाद। ये देखिए ये सारा एकदम से मस्त भुना हुआ स्वाद है, जैसे हम वो बैंगन को भून के बनाते वैसा ही इसका टेक्सचर हुआ है। अब इसी स्टेज पे मैं सारे मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं नमक डालूंगी, ये मेरा रॉक सॉल्ट है, हमेशा मैं बोलती हूँ ये रॉक सॉल्ट मैं यूज करती हूँ, इसीलिए नॉर्मल नमक से थोड़ा ज्यादा होता है। तो यही यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डालूंगी। 1 चम्मच हल्दी, टीस्पून है, ज्यादा हल्दी नहीं पड़ेगी। और ये 1 बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब ये हम सारे मसालों को इसमें मिला लेंगे। इसमें जो मसाले मैंने यूज किए हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं, जैसे नमक है या मिर्ची है, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल दें। हमने अभी मसाला किया है तो मसाले में भी इसको मिलाने के लिए हम इसको और 10 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पर रखेंगे और हिलाते रहेंगे बीच बीच में। देखिए आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है, 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से इसको भूना है। बहुत सारा हरा धनिया हम डालेंगे टेस्ट के लिए। आपको मालूम ही होगा धनिया की तासीर जो है ठंडी होती है, इसीलिए जब हम प्याज लहसुन वाला जो भी चीज बनाते हैं इसमें खूब सारा हरा धनिया डालते हैं तो वो उसका जो तासीर है उसको थोड़ा कम करता है और इसका टेस्ट को भी एनहेंस करता है। एकदम मस्त लग रहा है। अब इसको मैं गैस बंद करूंगी और हम बाजरे की रोटी बनाते हैं। बाजरे की रोटी के लिए मैंने ये 1 बाउल आटा लिया है, बाजरे का आटा है। इससे हम इजीली 2 बाजरे की रोटी तो बना लेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1/2 स्पून है। अब मैं इसको नॉर्मल ही पानी है अपना, कई लोग गर्म पानी से भी बनाते हैं, मैं नॉर्मल पानी ही यूज कर रही हूँ। और इसको हम अच्छे से अब आटा बांधेंगे और अच्छे से इसको हमको मथना है ताकि हमारा जो बाजरे का रोटला है वो बहुत ही सॉफ्ट हो और खाने में भी मजा आए। देखिए इस तरह से धीरे धीरे पानी डालेंगे हम। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से हम उसको मथ सके और अच्छे से रोटला उसका बना सके। और इसको हमको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मसलना है ताकि ये जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो सकता है, हो जाए। एक्चुअली अगर जब हम इसको इस तरह से मसलेंगे ना तो इसमें क्या होता है, एक एयर जैसा अंदर हो जाएगा और एकदम से सॉफ्ट हल्का हो जाता है आटा, तो हमारी जो रोटला होते हैं वो भी बहुत अच्छे सॉफ्ट और खाने में भी बहुत मजा आता है, उस तरह से बनता है। यहाँ पर मैं एक बात शेयर करूंगी कि पहले के जमाने में जब रोटला बनाते थे इस तरह से हाथ से मसलते थे तो दैट इज अ वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज। उंगलियों को है, ये पाम को है, ये सारी एक्सरसाइज है जो अब हम जिम में या योगा में करते हैं। अब इसका हम रोटला बनाएंगे, इसको मैं पार्ट में कन्वर्ट करूंगी। देखिए इसके 2 पार्ट करेंगे, मतलब 2 रोटला हमारा बन सकता है। अब मैं आपको 1 रोटला जो है
हाथ से कैसे बनता है वो बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये जो मेरी तवी है, रोटी की तवी ली है मैंने, मोटी थोड़ी सी है, उसको मैंने स्लो गैस पे गर्म करने रख दिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब मेरा ये आटा है बिल्कुल क्रैक्स नहीं है इसमें। अब मैं इसको धीरे धीरे हाथ से इस तरह से ये ड्राई आटा हाथ में लूंगी ताकि ये चिपकेगा नहीं, और इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से हम देख सकते। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं इस तरह से इसको अपना ये जो हथेली है इसको ही थोड़ा धीरे धीरे आपको करना है। इसको देखिए ये कैसे बड़ा हो जाता है। अगर आप चिपकता ऐसा लग रहा है कि हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ड्राई आटा हाथ में करके इस तरह से देखिए कितना अच्छा बन गया है। बहुत मोटा नहीं है तो हमको पतला ही रखना है ताकि इसको अच्छे से हमको इसका रिजल्ट मिल जाए। देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने रोटला जो है हाथ से बनाया है। अगर आपको हाथ से नहीं आता है तो मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। अब इसको मैं हमारी ये जो तवी है गर्म हो चुकी है इसमें इस बार देखिए आप देख सकते हैं। और हमेशा जब आप रोटला बनाते हैं तो इसकी जो दूसरी साइड है उसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये ऊपर का पार्ट है वो बिल्कुल ही क्रैक्स ना हो जाए इसमें, इसीलिए हम इसको लगाते हैं इस तरह से। हम इसको इस तरह से थोड़ा देख लेंगे ताकि ये हमारा देखो बिल्कुल चिपका भी नहीं है। और ये देख सकते हैं अभी तक इसको हुआ नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये साइड नीचे वाली साइड रोस्ट हुई है, सेकी ये नहीं, क्योंकि ये पानी जो है सूखने लगेगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ का पानी देखो आप अभी अभी भी है, यानी हमारा जो साइड है वो अभी तक अच्छे से हुआ नहीं है। जैसे ही वो हो जाएगा हमारा ये पानी सूख जाएगा और हम इसको पलट देंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से पानी देखो, यहाँ से ये सारा सूख चुका है। अभी इस तरह हम देखेंगे हमारा जो ये रोटला है उसको हम पलट देंगे। ये देखिए अब हमको ये जो साइड है वो अच्छे से उसको रोस्ट करनी है। थोड़ा गैस को मैं मीडियम कर दूंगी क्योंकि बाजरी है उसको थोड़ा सा सीजना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो तो पेट में भी दुखता है। और क्योंकि बाजरी किसी किसी को सूट भी नहीं करती है, किसी को बाजरी से एसिडिटी हो जाती है, किसी को बाजरी से मोशंस हो जाते हैं, तो इसीलिए हमको ये बहुत धीरे आंच में इसको धीरे धीरे सेकना है। ये देखिए ये हमारा अभी तक इसको भी थोड़ा टाइम है, ये जब तक हो रहा है तब तक हम दूसरा रोटला बना रहे हैं। देखिए इसको है ना, हम जिसको हाथ से नहीं पाता है वो लोग इस तरह से ये थोड़ा सा ड्राई आटा इसमें ये जो चकला है अपना इसमें ऐसे रख के हम इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं, वो भी फटाफट हो जाता है। आपको मैं यहाँ पर एक बात शेयर करूंगी, बाजरी का रोटला अगर आपको सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, पर इसी में बहुत सारा आयरन है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, हल्का होता है पचने में भी। और ये जो है बाजरी का रोटला, अगर आप रोज शाम को बाजरी दो बाजरी का रोटला विदाउट घी खाते हैं तो आपका जो वजन है वो झटपट से कम हो जाएगा। मेरा रोटला रेडी हो गया है, अब ये हम यहाँ पर देख लेंगे। ये देखो आप इसमें देख सकते हैं ये भी रेडी हो गया है। अब मैं इसको गैस पे इसको हम इस तरह से लेके इसको सिझा लेंगे। देखिए देखिए मेरा ये जो रोटला देखो आप देख सकते कैसे फूल रहा है, देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये मैंने हाथ से बनाया है। मैं जब छोटी थी तो मेरे बड़े भाभी जब हम गांव में जाते थे तो बाजरी का रोटला ना हाथ से बनाते थे। उनको देख के मुझे भी बड़ा मन करता था कि मैं भी कभी हाथ से बनाऊं, और मैंने ये सीख भी लिया। आप देख सकते हैं हमारा रोटला रेडी है। अब मैं ये जो दूसरा रोटला है उसको भी मैं गैस पे डालूंगी। ये देखिए यहाँ पर भी ड्राई आटा है तो मैं थोड़ा सा पानी वाला हाथ करके इस पे थोड़ा सा पानी हम इस तरह से रख देंगे ताकि ये ड्राई आटा की वजह से क्रैक्स ना आ जाए और मॉइस्चर इसमें रहे, इसलिए अब इसको हम होने देंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर पलट लिया है, ये भी अच्छी तरह से साइड हमारा हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा और करने दूंगी, सेकने दूंगी इसको। अब इसको मैं देखो आप देख सकते हैं ये आपका मेरा जो रोटला है ये इधर से भी हो चुका है। अब इसको हम धीरे से गैस पे अच्छे से बनाएंगे। देखिए ये देखिए कितना अच्छा बना है और एकदम फूला फूला सा है तो खाने में भी बहुत मजा आता है, सॉफ्ट होता है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए अब इसको अच्छे से मैं घी लगाऊंगी, ये देसी घर का घी है, इसको मैं अच्छे से इस तरह से लगाऊंगी। इसको ना इस तरह से थोड़ा सा होल करके लगाएंगे ताकि हमारा जो रोटला है उसको अंदर भी घी मिल जाए,
ये देखिए, तब खाते खाते वक्त बहुत ही मजा आता है। तो लीजिए, हमारा ये रेडी है, बैंगन का भरता, बाजरे की रोटली रोटला है, ये लाल लहसुन की चटनी है, जिसको इस रोटला के साथ अगर खाते हैं तो बहुत ही मजा आता है। मक्खन है, व्हाइट मक्खन घर का बना हुआ, ये है गुड़ जो रोटला के और घी के साथ हम खाते हैं, और ये है हरे लहसुन का, घी में हम नमक डाल के इसको मैं चटनी जैसा बनाती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और हमेशा बनता है। तो आप भी ये सारी चीजों के साथ बैंगन का भरता और रोटला खाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।